बहुत गर्मी हो रही है, एसी और फैन के बिना अभी भी दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग गुड गाइज. आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन साड़ी हॉल. जितनी भी साड़ीज मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको अमेजोन और मिंत्रा पे भी मिलेगी. जब मैंने मिंत्रा पे प्राइस चेक किया तो उसकी प्राइस बहुत हाई थी एंड अमेजोन में थोड़े प्राइस डाउन थे, इसलिए मैंने अमेजोन से परचेज की है. क्वालिटी बिल्कुल सेम है, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो इस बार कंपेयर करके मैंने स्मार्टली शॉपिंग की है. सारी साड़ियाँ आपको अमेजोन से मिलेंगी, अमेजोन से लिया है मैंने, बट उनमें से एक साड़ी ऐसी है जो मिंत्रा पे है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी बट वो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं थी तो मैंने वो मिंत्रा से खरीद ली. बट मैं आपको दोनों साइड के लिंक्स दे दूंगी इनकेस अगर आपको मिंत्रा चेक करना है अमेजोन चेक करना, आप दोनों पे चेक कर ले, प्राइस कंपेयर कर ले दोनों की, देन बाय करे क्योंकि कभी भी किसी की प्राइस ज्यादा कम हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं. तो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. मेरे चैनल पे दुर्गा पूजा सीरीज चल रही है एंड 1, 2, 3, 4 पूरे 4 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड दिस इज पार्ट 5th. तो ये पांचवा पार्ट है मेरे दुर्गा पूजा सीरीज की जो मैं आपको साड़ी हॉल दिखा रही हूँ. सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है क्योंकि मुझे बहुत सारे साड़ी हॉल्स की रिक्वेस्ट आई थी प्लस रफल साड़ी की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उनमें कुछ रफल साड़ी में ऐड करूं एंड आपको दिखाऊं. सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी एंड लाइक करना नहीं भूले क्योंकि लाइक नहीं मिलती है तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ, मुझे अपसेट नहीं होने से प्लीज लाइक कर देना. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. माई फर्स्ट आइटम इज दिस व्हाइट एंड ब्लैक पॉली जॉर्जेट साड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत मटेरियल है इसका पॉली जॉर्जेट. लाइक मैंने अपने फर्स्ट साड़ी हॉल पे एक इंडस की साड़ी आपको दिखाई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए मैं इनकी साड़ियाँ ट्राई करना चाहती थी. बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, मटेरियल सुपर बॉसम है एंड सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ आपको पिंक कलर का ब्लाउज मटेरियल मिलेगा जिसका मटेरियल काफ़ी अच्छी है. एंड जब मैंने इसे स्टिच नहीं कराया, मैंने इसे ब्लैक ब्लाउज के साथ वेयर करा है, बट जब आप इसे स्टिच कराकर पहनोगे ना, ट्रस्ट मी ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी. लाइक व्हाइट एंड ब्लैक साड़ी पे पिंक ब्लाउज विथ सम पिंक बिंदी एंड पिंक बैंगल्स के साथ ये बहुत ऑसम लगेगी. बहुत इसके जो रफल्स है वो थोड़े बड़े रफल्स में हैं बट अगर आप पिन लगाकर आंचल बनाओगे तो बहुत इजीली कैरी हो जाएगा. सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन. सो आपको यहाँ पे दिखेगी कि मैंने पिंक थोड़ी सी झलकी मेरे जब मैं राउंड घूमूंगी तो दिखेगी, तो वो ब्लाउज पीस मैंने हटाया नहीं था तो उसे इन करके मैंने पहना है, वो उसका ब्लाउज पीस है. सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन. नेक्स्ट आइटम इज दिस मल्टी कलर डाइड साड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है. मटेरियल साड़ी की पॉली जॉर्जेट है, अगेन ये बहुत ऑसम सुपर फाइन मटेरियल है एंड ब्लाउज मटेरियल सिल्क ब्लेंड है. सो पूरे साड़ी में आप देख सकते हैं जहाँ पे चून बनती है वहाँ पे कलरफुल चुनरी टाइप कलरफुल डाइड डिज़ाइन है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है एंड इसका ब्लाउज पूरा कलरफुल है. सो मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है, अगर ब्लाउज के साथ आप पहनेंगे तो ये और भी गॉर्जियस लगेगी, बट अभी भी इसकी कलर खिलकर आ रही है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है ये. सो मुझे इसका मटेरियल डिज़ाइन कलर सब कुछ बहुत पसंद आया. सो मैं इसे भी रेकमेंड करूँगी, आप ब्लाउज स्टिच करा के पहने फेस्टिवल पे, शादियों के सीज़न पे, कहीं पे भी आप इसे वेयर कर सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल है. सो ये अभी गाइज आउट ऑफ स्टॉक है, मैंने अभी इसे चेक करा, बट सिमिलर कलर के आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इनकेस अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ चेक कर लें. आई रेकमेंड दिस वन ऑल्सो. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस बीज एंड बारगंडी स्ट्राइप रफल साड़ी.
Saree material is poly crepe and blouse material is poly georgette. So, it's a combination bahut acha hai. Plain brown brown color ki blouse ki piece hai. And saree ke jo color combination hai, wo multicolor bahut hi khubsurat lag rahi hai. And iska material kaafi acha hai. Like poly crepe ek aisi material jo bahut close hai satin kind of material se. But satin thodi si patli hoti hai, ye thin nahi hai. Ye kaafi achhi thick material hai. Mujhe material kaafi pasand aayi. And iski jo ruffles hai, wo choti choti ruffles hai. To wo aur bhi beautiful lag rahi hai na. ब्यूटीफुली इसे वेयर कर सकते हैं. मुझे ये काफ़ी पसंद आई एंड मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी. सो आप इसे स्टिच फुल स्लीव्स ब्लाउज स्टिच करा के पहनिए, बहुत ऑसम, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी. इससे पहले ब्लैक एंड वाइट वाली साड़ी की रफल थोड़ी बड़ी थी, तो उसे कैरी करना इसके कंपेरिजन थोड़ा सा टफ है, बट कैरी हो जाएगा. ये काफ़ी ईजी है, नॉर्मल साड़ी की तरह लगेगी. सो मुझे ये बहुत पसंद आई. पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है, फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट है. अच्छे से ज्वेलरी के साथ आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हैं. सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस मल्टीकलर ब्रासो साड़ी. मटेरियल इज पॉली क्रेप एंड ये बहुत ही सुपर ऑसम मटेरियल है. बहुत ही साइटन काइंड ऑफ फीलिंग आपको अगेन इस पे देगी. एंड ये कटवर्क टाइप डिज़ाइंस बनी हुई है जो कि बहुत ऑसम लग रही है. एंड ये आप रेगुलर साड़ी की तरह इसे कैरी कर सकते हैं. लाइक इतना लाइट वेट है ये. सो इसको पहन के आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा. ऑल्दो जो रफल साड़ी होती है उसको पहनने में के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, बट ये एकदम नॉर्मल साड़ी की तरह आप पहन सकते हो. कलर, डिज़ाइन सब कुछ बहुत सुपर्ब है. मटेरियल बहुत सुपर्ब है. एंड ये आती है इस प्लेन ब्लाउज के साथ, जो कि स्टिच कराने के बाद ये भी बहुत ऑसम लगी. मैंने इसे खुद का ब्लाउज के साथ पेयर करके आपको दिखाया है. सो आई रिकमेंड दिस वन ऑल्सो. माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज नेवी ब्लू एंड व्हाइट प्रिंटेड लहंगा साड़ी. साड़ी मटेरियल इज पॉली शिफोन एंड ब्लाउज मटेरियल इज आर्ट सिल्क. एंड ये बहुत ही खूबसूरत कलरफुल साड़ी है. लाइक पहनते ही ये एक ऐसी साड़ी है जिसपे आप खिलकर आओगे. कलर कॉम्बिनेशन ये बहुत ही खिलने वाली है. सो इस पर आपको कोई भी प्लेट्स बनाने की टेंशन नहीं है. रेडीमेड प्लेट्स बने हुए हैं एंड साइड पे बस एक जिप और हुक दी हुई, उसे लगाना है और आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं. कोई भी चून ये प्लेट्स होते हैं वो खुलने का टेंशन नहीं है. साड़ी पे संभालने का टेंशन नहीं है. सो ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी, बस पल्लू बनाना है और आप ईजिली इसे वेयर कर सकते हैं. सो इस पे साइज अवेलेबल है स्मॉल, मीडियम, लार्ज. सो उसका भी टेंशन नहीं, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हैं. मेरा साइज इस पे मीडियम है एंड जब मैं ये साड़ी पहनी मुझे बहुत ऑसम लगी. बट जब मैं इसे शूट कर रही थी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये बहुत सामने की जो प्लेट्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे को जा रही है. सो गाइज ये मुझे नहीं हुई क्योंकि मैं 2-3 इंच भी हिल पहनूँ तो भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी क्योंकि इसकी पल्लू कुछ ज़्यादा मुझे लॉन्ग लगी. एंड पल्लू तो मैनेज है, चलो वो मैं किसी तरीके से मैनेज कर सकती हूँ, उसका इशू नहीं है. बट ये जो साड़ी की जो प्लेट्स है वो बहुत नीचे को जा रही है. सो जिनकी भी हाइट 5'4" है या 5'4" से नीचे है उनके लिए साड़ी नहीं है. बट जिनकी भी हाइट 5'5" है, 5'5" से अबव है, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. कलर, मटेरियल सब कुछ. एंड ऑप्शन नहीं है इस पर क्योंकि आप अपर के साइड भी कुछ नहीं कर सकते, उस पर प्लेट्स बने हुए हैं. एंड डाउन के साइड भी आप कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं. सो इस पर कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं लगा कि मैं इसे रख पाऊंगी. सो मुझे रिटर्न करना पड़ा ये अनफॉर्चुनेटली. बट ये मुझे बहुत पसंद आई एंड लॉन्ग हाइट्स वाली लड़कियों के लिए मैं इसे रिकमेंड करूँगी. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कॉमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी. एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.